ओम शांति। आज शरद पूर्णिमा के दिन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उत्सव शरद पूनम एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो ये जो त्योहार है, ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं? हमारे पूर्वजों ने ये त्योहार मनाने की जो रीत रखी है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। त्योहार उमंग उत्साह लाते हैं जीवन में। भले ही कोई परिस्थिति आई हुई हो, जो भी समस्या चल रही हो जीवन में, पर त्योहार क्या करते हैं? उमंग उत्साह दिलाते हैं। त्योहार कुछ क्षणों के लिए हमें हमारे ऊपर जो परिस्थिति आई हुई है या फिर जो भी समस्या है, वो कुछ पलों के लिए क्यों ना हो हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह शरद पूर्णिमा का त्योहार भी एक उमंग उत्साह लाने वाला है जीवन में। वैसे तो हमने त्योहार त्योहार मनाने की जो सीजन है वो तो शुरू हो ही गई है। हमने गणेश उत्सव मनाया, फिर नवरात्रि मनाई, फिर आज शरद पूर्णिमा है और आगे दिवाली है, मकर संक्रांति है। त्योहार आते ही रहेंगे। तो ये त्योहार हमें सिखाते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, हमारे जीवन में उमंग उत्साह कम ना हो। परिस्थितियां तो आती जाती रहेगी। तो ये जो शरद माह है, उसका क्या रहस्य है? अभी हम जब से हम ज्ञान में आए हैं, तो परमात्मा ने हमें हर त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य हमें बताया है। अभी हम यथार्थ रीति से मनाते हैं हर त्योहार को, तो शरद पूर्णिमा के पीछे क्या क्या रहस्य है? देखो, शरद पूर्णिमा आती है शरद ऋतु में, तो हर मौसम के भी अपनी एक खास विशेषता होती है। हर मौसम कुछ नया लेकर आता है, तो ये शरद ऋतु भी कुछ विशेष है। क्यों विशेष है? मौसम आते जाते रहते हैं, पर शरद मौसम जो है, शरद ऋतु जो है, वो विशेष खास माना जाता है। क्यों? हम थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। शरद ऋतु पतझड़ का ऋतु माना जाता है। शरद में क्या होता है, पेड़ों के पत्ते तो पहले रंग बिरंगीन हो जाती हैं, चारों ओर हरिया रंगीन हो जाती, रंग बिरंगी ऋतु, चारों तरफ नेचर जो है वो रंगीन हो जाती है। तो ये जो शरद ऋतु है, ये संगम युग की याद दिलाती है। कैसे? शरद ऋतु में होती है पतझड़, और फिर शरद ऋतु पतझड़ से लेकर फिर से बाहर आए उसके बीच का ऋतु है। तो संगम युग क्या याद दिला, संगम युग की याद कैसे दिलाता है ये ऋतु? संगम हर दो युग के बीच का संगम होता है, लेकिन खास कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय है संगम का, वो क्यों खास है? क्योंकि इस समय जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, वो क्या होता है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है, और इसी समय परमात्मा नई दुनिया की कलम लगाते हैं। कितना सुंदर है ये ऋतु, दिखाता है कि एक तरफ पतझड़ है और पतझड़ के साथ साथ यहाँ समाप्त नहीं है, यहाँ समाप्ति नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है, उसकी याद दिलाता है। तो सतयुग क्या है, हरियाली हो। तो ये जो संगम का समय है, उसकी याद दिलाता है ये ऋतु। नई दुनिया की कलम लग रही है इस समय। परमात्मा इस समय नई सृष्टि की, नई दुनिया की कलम लगा रहे हैं। फिर शरद पूर्णिमा, देखो हर महीने पूर्णिमा आती है, हर महीने पूर्णिमा है, 15 दिन के बाद पूर्णिमा, फिर अमावस्या आती है, फिर पूर्णिमा आती है। लेकिन शरद ऋतु में आने वाली ये अश्विन माह की पूर्णिमा विशेष क्यों है? कुछ तो होगा इस पूनम में, इसीलिए ये खास मनाते हैं। तो कहते हैं अश्विन माह में
शारदीय नवरात्रि के बाद आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस पूर्णिमा को अलग अलग नामों से मनाते हैं। महाराष्ट्र में कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं, कोई रास पूर्णिमा कहते हैं, कोई कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम से अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह ये शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा क्यों खास है? हर पूर्णिमा को चंद्र संपूर्ण तो होता ही है, लेकिन विशेष शरद ऋतु में आने वाली पूर्णिमा के दिन चंद्र जो है वो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण होता है, इसीलिए ये पूर्णिमा खास है। ज्योतिष के अनुसार भी कहते हैं कि पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो परमात्मा हमें किसकी याद दिलाते हैं? परमात्मा जब संगम युग पर आते हैं तो हम आत्माओं को जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाती है। माना संपूर्ण, माना एक भी कमी नहीं, कोई भी कमी कमजोरी नहीं। और आत्मा जब 16 कला संपूर्ण बन जाती है तो पूजन गायन और नमन के योग्य बनती है। पूनम, नमन के योग्य बन जाती है आत्मा। तो विशेष ये यादगार है हमारी, जो हम भविष्य में परमात्मा हमें 16 कला संपूर्ण बनाने का जो लक्ष्य दे रहे हैं वो भी ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। हम यही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं अभी, देवता बनने का, 16 कला संपूर्ण बनने का, और सतयुग में नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ अभी हम कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा के पीछे कथा है। कहते हैं एक राजा था, उसकी 2 कन्याएं थी। एक कन्या जो शरद पूर्णिमा का व्रत है वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत भावना से, पूर्ण रीति से करती थी, यथार्थ विधि से करती थी। और दूसरी कन्या जो थी वो आधे अधूरा करती थी। तो जो छोटी कन्या थी कि जब भी संतान होती थी वो तुरंत मृत्यु को पाती थी, वो जीवित नहीं रहती थी। तो कहते हैं कि जब छोटी कन्या को, राजा के छोटी कन्या को पुत्र जन्मता है तो वो मर मर जाता है। फिर वो अपनी बड़ी बहन को बुलाती है और नीचे रख देती है, उसके ऊपर कुछ रख ढककर रख देती है उस पुत्र को। तो बड़ी बहन जब आती है उसका ध्यान नहीं होता, उसको उसी जगह पर बिठा देती है। तो उसको तुरंत समझ में आता है कि यहाँ नीचे तो बच्चा था। तो वो कहती है, क्या तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती हो तुम्हारे बच्चे की मृत्यु का? वो छोटी बहन जो होती है वो कहती है, नहीं, ये तो पहले से ही मरा हुआ है, लेकिन आपके स्पर्श से इसमें क्या आई है, जीवन, इसे जीवन मिला है, ये जीवित हुआ है। ऐसी कथा है ये, पर वास्तव में परमात्मा, इसके पीछे परमात्मा ने क्या कहा है, परमात्मा का कहने का क्या भाव है? संतान अर्थात हमारे संकल्प, हम संकल्पों के रचयिता है, हम संकल्प हमारी रचना है। और ये जो व्रत है, व्रत अर्थात जीवन में धारणा, श्रेष्ठ धारणाओं को दृढ़ बनाना। तो जब भी हम कोई संकल्प करते हैं तो ध्यान रहे कि वो जीवित रहे। मान लीजिए हमने कुछ करने का संकल्प किया, कुछ दिन हम उसको फॉलो करते हैं और फिर कुछ दिनों में उसे छोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने सोचा कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ये मैंने क्या किया, संकल्प किया, ये मेरी रचना हुई, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प था। लेकिन अगर उस संकल्प को, उस संकल्प में मैंने दृढ़ता नहीं भरी, बार बार उसे रिवाइज नहीं किया, तो वो संकल्प कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम भूल भी जाएंगे कि मैंने कोई ऐसा संकल्प किया हुआ था।
तो जब भी हम ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं तो हमारा ध्यान रहे कि मैंने कोई कुछ व्रत लिया हुआ है। तो हम ऐसे ही संकल्प क्रिएट करें, बाबा कहते हैं ना हमेशा श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है। तो श्रेष्ठ संकल्प की जब भी हम रचना करें तो वो जीवित रहे, उसका ध्यान रखे, उसे मरने ना दे वो। और व्रत माना क्या? अभी उपवास कहते हैं, उपवास भक्ति मार्ग में उपवास हम भूखे पेट रहना, लेकिन उपवास का अर्थ है जिसका निवास स्थान ऊपर है, परमात्मा उसकी याद में रहना, वो सच्चा सच्चा उपवास है। और जब आत्मा उसकी याद में रहती है तो हमारे अंदर नए संस्कारों की स्थापना होती है, नए संस्कारों का जन्म होता है, पुराने संस्कार समाप्त होकर नए संस्कारों का जन्म हमारे अंदर होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन की जो व्रत कथा है उसका यही अर्थ है। वास्तव में कोई संतान को जीवित हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो संकल्प है, हमारी रचना है, उसमें हम दृढ़ता भरे, हम अपने निर्माण किए हुए संकल्प को सदैव जीवन दे। कोई भी श्रेष्ठ संकल्प करें, हम किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति हमारे मन में निगेटिव संकल्प ना हो। ऐसे छोटे छोटे श्रेष्ठ संकल्प हम कई संकल्प करते हैं पर हम भूल भी जाते हैं, तो उन संकल्पों को हम सदैव जीवित रखें। इस दिन विशेष लक्ष्मी पूजन करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन होता है, और इस दिन जो जाग रहा होता है उस पर माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद और कृपा बरसाती है, इसलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं लक्ष्मी का जब जन्म होता है तो उसे वो अमृत कलश दिया जाता है, और उस अमृत कलश के साथ लक्ष्मी माता इस रात्रि में, इस दिन की रात्रि में सब जगह चक्कर लगाती है और देखती है कि कौन जाग रहा है, कौन मुझे याद कर रहा है, कोजागिरी कौन जाग रहा है, और उस पर वो अपनी कृपा बरसाती है। वास्तव में परमात्मा कहते हैं कि ये जो कलयुग रूपी घोर अंधियारी रात है, इस कलयुग रूपी अज्ञानता की अंधकार में जिन आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, उन आत्माओं पर परमात्मा ज्ञान का धन बरसाते, अविनाशी धन। यह स्थूल धन की बात नहीं है, लेकिन जिस समय सभी आत्माएं अज्ञानता की निंद्रा में सोए हुए हैं और जिसकी आत्मा जगी हुई है और परमात्मा की याद में स्थित है, उन पर यह ज्ञान धन बरसता है। और जब ये धन हम इकट्ठा करते हैं तो कहते हैं कुबेर के खजाने जमा होते हैं, तो लक्ष्मी के साथ कुबेर जी को भी याद किया जाता है। कुबेर का खजाना कहते हैं ना कि कुबेर का खजाना, कुबेर की भी पूजा करते हैं। तो जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारे खजाने कौन से खजाने? समय, संकल्प, श्वास, ये सारे खजाने क्या होते हैं? हमारे जमा होने लगते हैं, इसकी बचत होने लगती है। पहले हम देखेंगे जब हमें पता नहीं था तो निगेटिव संकल्प, व्यर्थ विचार, यहां वहां की बातें, कितना समय हम व्यर्थ गवाते थे, लेकिन जब ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमारा क्या हुआ? समय, संकल्प, श्वास, बोल, सभी की बचत होने लगी, तो हमारे खजाने बढ़ते गए, हमारे खजाने जमा होते गए। तो ये अविनाशी ज्ञान धन का खजाना हमारा जमा हो रहा है। फिर आज के दिन विशेष दूध पोहा
या फिर खीर का सेवन करते हैं। इस दिन विशेष दूध पोहा और खीर का सेवन करना, इसके पीछे क्या राज है? ये तीनों चीजें कैसे हैं? सफेद है। दूध पोहा और शक्कर, ये तीनों क्या है? सफेदी का संगम है। तीनों चीजें सफेद, और सफेद रंग होता है पवित्रता, शांति और शीतलता का प्रतीक। कहते हैं इस पूनम की रात को चंद्रमा से शीतल किरणें बरसती हैं। तो ये शीतलता, अब वास्तव में शरद ऋतु में, एक्चुअली शरद ऋतु में बीमारियां होती है। ये ऋतु जो है वो कई प्रकार की बीमारियों को लाता है। तो कहते हैं कि इस ऋतु में शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने के कारण कई बीमारियां होती है। पित्त बढ़ता है, तो पित्त बढ़ने के कारण ये जो चीजें हैं दूध पोहा और शक्कर, ये ठंडक देती है, पित्त को शांत करती है। इसलिए आज के दिन दूध पोहा और खीर का सेवन करते हैं। और शक्कर जैसे मिठास, हमारा व्यवहार कैसा हो, मधुर मिलनसार हो। तो अब दूध पोहा खाकर के हमने पेट को तो शांत कर लिया, लेकिन क्या मुख में मधुरता है? क्या दिमाग शांत है? यहां अगर शांति होगी तो मुख पर मिठास होगी, यहां अगर शांति नहीं है तो मुख में मिठास आएगी? नहीं आएगी। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तो परमात्मा भी कहते हैं जब आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप, शांत स्वरूप में स्थित हो जाती है, अपने ओरिजिनल स्वरूप पवित्रता को, शुद्धता को धारण करती है, तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है? मधुर हो जाता है। हमारी वाणी मधुर हो जाती है, क्योंकि वो आत्मिक भाव हमारे अंदर आ जाता है। हर एक को आत्मा देखना, मैं भी शांत स्वरूप, ये आत्मा भी शांत स्वरूप, हमारे अंदर से शांति के, शीतलता के वाइब्रेशन हम औरों को देते हैं। और जहां शीतलता है वहां मधुरता अपने आप आती है। तो इस तरह से शांत चित्त, हमारे मन को शांत बनाना है परमात्मा की याद से। देखो, जो शांत नहीं होता है ना, उसके कर्मेंद्रियां भी चंचल होती है। आपने नोटिस किया होगा, भले आप अगर एक जगह बैठे हुए हैं, लेकिन संकल्प बहुत तेज चल रहे होंगे ना, तो हमारी कर्मेंद्रियां भी अपने आप हिलती है। कईयों का देखा होगा आपने कि बैठे हुए हैं लेकिन कुछ अंदर चल रहा है, तो बाहर की स्थिति का भान ही नहीं होगा क्या है। और किसी किसी को आदत होती है, कोई पैर हिलाएगा, कोई हाथ हिलाएगा, कोई मुख अपने आप बोलता रहेगा। वास्तव में क्या उसका मन शांत नहीं है, उसके अंदर शांति नहीं हो। तो जब यहाँ शांति आ जाती है, आत्मा शांत स्थिति स्वरूप का अनुभव जब कर लेती है, तो हमारी कर्मेंद्रियां अपने आप शीतल हो जाती है। देखना, जब भी कोई कर्मेंद्रिया चंचलता करे, वैसे तो स्थूल कर्मेंद्रियों का हिलना अलग बात है, लेकिन सूक्ष्म में भी जब कर्मेंद्रिया चंचलता करे, कोई कामनाओं की इच्छा रखे, अगर अंदर क्रोध है, मोह है, अहंकार है, तो वो शीतलता नहीं है। जहां काम कामनाएं हैं वहां भी क्रोध है, जहां मोह होता है, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, जिससे बहुत प्यार है बात नहीं मानी, तो भी क्रोध आता है। जहां ईगो हर्ट होता है वहां भी क्रोध आता है। कर्मेंद्रिया चंचल हो जाती है, गुस्सा आंखों से दिखाई देता है, कर्मों में दिखाई देता है, तो वो शीतलता नहीं है। तो देखो, ये शरद पूर्णिमा का चंद्र जो है वो हमें शीतलता का प्रतीक, वो यादगार दिलाता
याद दिलाता है कि हमें भी शीतल रहना है। जब भी हम शीतल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो हमारी नैनों से चारों ओर वो शीतलता की किरणें हम फैलाएंगे। ये स्थूल चंद्र नहीं, यहाँ ये आत्मा चंद्र, ये किरणें चारों ओर फैलाता रहेगा। फिर और क्या कहते हैं, इस दिन गरबा रास भी करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन प्रकृति बहुत ही सुंदर, शरद पूर्णिमा के दिन ही नहीं जबकि शरद ऋतु में ही प्रकृति का बहुत ही सुंदर मनमोहक रूप होता है। देखो चारों ओर प्रकृति कैसी हो जाती है, अट्रैक्टिव होती है, मन को लुभाने वाली प्रकृति होती है। और खास इस दिन वातावरण में ठंडक, चंद्र से आती हुई शीतलता की किरणें, प्रकृति का साथ, तो इसमें क्या होता है, गरबा करने का मन करता है, नृत्य करने का मन करता है। सूर्य के किरणों के नीचे गरबा करने को कहो तो करेंगे, सूरज की तपती हुई किरणों के नीचे नहीं करेंगे, चंद्रमा के किरणों के नीचे वो आनंद आ रहा है। नेचर देखो, नेचर शांत ठंड, तो परमात्मा कहते हैं हमारी भी नेचर वैसी हो जाए, इजी नेचर हो, नेचुरल नेचर हो हमारी, हमें उस तरफ हमें बनना नहीं पड़ेगा, वो नेचर अभी हमारी बन रही है। परमात्मा की याद से, ज्ञान से हम हमारी नेचर वैसी बना रहे हैं। और ऐसे लुभावना सुहावना वातावरण अट्रैक्ट करता है, तो जब भी हमारी ऐसी नेचर बन जाएगी तो अन्य आत्माओं को हमारा संग अच्छा लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने हमें देखा और यू टर्न, नहीं 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 इनके पास नहीं जाना, चेक करना है कि क्या मेरी ऐसी नेचर है जो मेरे सामने कैसी भी आत्माएं अशांत तृप्त परेशान आते ही कुछ क्षण के लिए वो अपनी समस्या भूल जाए। क्या मेरी ऐसी नेचर बनी हुई है, चेक करना, मेरा संग सबको अच्छा लगे, सूरज के किरणों के जैसी तपत न हो हमारे नेचर में, चंद्रमा की शीतलता हो। तो गर्भारास करते हैं, आज इतने नौ नवरात्रि के 9 दिन हमने गर्भारास किया। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गर्भारास वो डांडिया, अगर हमारा सुर ताल में नहीं हो तो क्या होता है, एक का ऊपर एक का नीचे होगा तो क्या होगा, लग जाएगा। तो वो भी क्या हो, मिलजुल हो, उसमें भी अगर मिलजुल होती है तो वो सही रीति से एंजॉय कर सकते हैं हम। तो अगर हमें सभी आत्माओं के साथ मिलजुल कर रहना है तो हमारे संस्कारों का मिलन होना जरूरी है, हमारा स्वभाव संस्कार हर एक के साथ इजी हो, जहां भी जाए जिसके साथ भी रहना पड़े हमारी नेचर उसके साथ ढल जाए, मोल्ड होने वाला नेचर चाहिए। पानी का क्या कैसे होता है, पानी जिस भी बर्तन में डालो वो अपना स्वरूप धारण कर लेता है, पानी को कितना भी उबालो वो अपनी ओरिजिनल नेचर ठंडक उसमें आ ही जाता है। तो हम आत्मा भी अपने ओरिजिनल संस्कारों को भूल चुकी थी, विकारों के अधीन हो गई थी, तो अभी संगम युग पर परमात्मा की याद से हम अपने जो संस्कार दैवी संस्कार बना रहे हैं, तो इन संस्कारों के साथ हम मिलजुल कर सभी के साथ रहते हैं। तो ये हुआ रास, संस्कारों के मिलन रास। स्थूल रास तो हम एक दिन नवरात्रि के 9 दिन करेंगे, शरद पूर्णिमा के दिन करेंगे, लेकिन ये जो संस्कारों के मिलन रास है वो एक दिन नहीं, हमें
रोज करनी है, पूरा जीवन भर करनी है। तो ये जो दांडिया गरबा रास जो भी है वो हमारी यादगार है मिलजुल कर रास करने की। कहते हैं श्री कृष्ण ने इस दिन महारास किया था गोप गोपिकाओं के साथ, और गोपिकाएं जो थी वो अतींद्रिय सुख का आनंद ले रही थी तो अपने देह भान को भी भूल गई थी। तो जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं और हम अपने ओरिजिनल संस्कारों को धारण करते हैं तो हम भी अपनी देह भान को भूलकर एक परमात्मा की याद में अतींद्रिय सुख का आनंद लेते हैं। ये इसकी यादगार है। संगठन में मिलजुल कर रहना, परिवार में मिलजुल कर रहना बहुत आवश्यक है। अगर ये एक संस्कार भी होगा, अगर नहीं होगा कि नहीं मैं इनके साथ नहीं सेवा कर सकती, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, नहीं, ये मेरा संस्कार ना हो। परमात्मा ने हमें कौन से संस्कार दिए हैं, मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या है, मेरे दैवी संस्कार क्या है, उन संस्कारों को याद करते हुए हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है। इस दिन का विशेष आयुर्वेदिक रहस्य क्या है? जैसे कहा कि शरद ऋतु में कई सारी बीमारियां होती हैं तो विशेष खान पान का ध्यान रखा जाता है। तो मान्यता है कि इस अश्विन शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा की दिन जो चंद्रमा से जो किरणें निकलती है वो अमृत वर्षा करती है और उन किरणों में हीलिंग पावर होती है। उस चंद्र की उन किरणों में शक्ति होती है जिससे कई रोग समाप्त तो होते हैं। और साथ में जो हम दूध पोहा खाते हैं तो दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है और पोहा में जो स्टार्च होता है वो इन किरणों को एब्सॉर्ब करता है। इसीलिए ये जो दूध पोहा है वो चंद्रमा के शीतल किरणों के नीचे रखते हैं और उसे सुबह खाते हैं, रात भर उन किरणों के नीचे रखते हैं और सुबह खाते हैं ताकि उसमें वो बीमारियों को खत्म करने की ऊर्जा वो शक्ति उसमें आ जाए। और फिर कहते भी है कि पुराने जमाने में वैद्य कई विशेष औषधियां इस दिन शरद पूनम के दिन चंद्रमा की किरणों के नीचे बनाते थे जिससे वो शक्तिवर्धक बन जाए, व्याधि नाशक बन जाए, उसमें वो गुण आ जाए। तो ये शरद पूर्णिमा का जो दिन है बहुत ही खास, कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण ये उत्सव मनाते हैं। तो हम भी चंद्रमा जैसी शीतलता को धारण करेंगे, हमारे अंदर वो ओरिजिनल संस्कारों को जन्म देंगे, हमारे श्रेष्ठ संकल्प सदैव जीवित रहे उसका ध्यान रखेंगे। बहुत सारी बातें हैं उत्सव हमें सिखा कर जाता है, और हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो। पतझड़ आती है लेकिन नई बहार की आहट लेकर आती है। तो किसी बात तो दिल शिकस्त न हो जाए, फिर से उठे, फिर से वो आशा, फिर से वो उमंग उत्साह भरे अपने अंदर। कभी कभी हो जाता है कि कभी कोई बात, कोई धारणा की बात हो, अगर हम एक मान लो अगर हमने संकल्प किया है कि मुझे रोज अमृत वेला उठना है, मुरली करनी है, पर किसी दिन हम मिस करते हैं तो दिल शिकस्त हो जाता है। हाँ, जरूर मिस किया हमने परमात्मा के महावाक्य को, परमात्मा से मिली हुई शक्ति को, लेकिन दिल शिकस्त न हो जाए, उस संकल्प को छोड़ न दे, फिर से नई आशा के साथ, नई उमंग के साथ उसे उसे जीवित करें। अभी नहीं, कल से शुरू कर दे। मुरली मिस हुई, दिन भर में समय निकाल कर जरूर पढ़ ले। ऐसे छोटे छोटे संकल्प, बहुत बड़े, हमारा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लक्ष्मी नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण बनना, लेकिन
छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प जो हम दिन भर करते हैं उनको जीवित रखना, माना उसमें दृढ़ता भरना, उस संकल्प को बार बार स्मृति में लाना, उन संकल्पों को रिवाइज करना। तो ऐसे सुंदर ये शरद पूर्णिमा का दिन हमें बहुत सारी बातें सिखा कर जाता है। तो अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे और साथ में मेडिटेशन को ही कंटिन्यू रखते हुए बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। सभी रेडी हैं? लक्ष्य देते हैं हम आपको। अभी हम जब भी हम मेडिटेशन में बैठेंगे, स्थूल चंद्रमा की किरणें जैसे मुझ पर पड़ रही है, अभी तो बाहर स्थूल चंद्रमा नहीं आया है, लेकिन हम अपने संकल्पों से उसे क्रिएट करेंगे और उन किरणों को अपने अंदर भरेंगे और अपना फरिश्ता स्वरूप रचकर भोग की थाली लेकर बाबा के पास जाएंगे। जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा उनकी भ्रुकुटि में ज्ञान सूर्य चमक रहा है और उनसे जो किरणें मुझ पर पड़ रही है जो आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। इस तरह से मेडिटेशन करेंगे। सभी बैठ जाएंगे। शरीर को संपूर्ण रिलैक्स करके बैठें। कहीं भी कोई तनाव नहीं। गहरी सांस ले, अंदर जाती हुई श्वास मुझे आत्मा में शक्ति भर रही है। और बाहर निकलती हुई श्वास मुझे रिलैक्स कर रही है। फिर से ले गहरी सांस, छोड़े। अपने संकल्पों को समेट शरीर की संपूर्ण ऊर्जा को प्रकृति के मध्य एकत्रित करें। मन बुद्धि के नेत्र से देखें शरद पूर्णिमा का चंद्र मेरे सामने है। संपूर्ण तेजोमय चंद्रमा से आती हुई शीतल किरण मुझ पर पड़ रही है। किरणों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है।
जैसे कि मैं आत्मा चंद्रमा की किरणों के नीचे स्नान कर रही हो, सफेद चमकीली किरणें मेरी स्थूल देह की एक एक सेल से होती हुई एक एक अंग में पहुंच रही है। महसूस करें उन किरणों को, अपनी स्थूल देह में महसूस करें जहां जहां स्थूल देह में दर्द महसूस होता है वहां ये किरणें पहुंच रही हैं। उस दर्द को हील कर रही हूँ। मेरे स्थूल देह की एक एक सेल जैसे सफेद प्रकाश की किरण से चमक उठी है। आज के दिन का यह चंद्रमा मुझे जैसे निरोगी भव का वरदान दे रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर व्याधियों से मुक्त संपूर्ण स्वस्थ बन चुका है। मुझे आत्मा के साथ साथ मेरी सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो चुकी हैं।
शांत हो चुकी हूँ। अपने संपूर्ण शरीर को चांदनी से सफेद प्रकाश से भरा हुआ देखें। महसूस करें जैसे इस प्रकाश से ये चमड़ी का देह जैसे धीरे धीरे लुप्त हो चुका है। इस सीट पर मेरा चमड़ी का देह नहीं पर शरीर के आकार का प्रकाश का देह विराजमान है। यह मेरा फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण हल्का अब मैं भोग की थाली लेकर अपने इस फरिश्ते रूप के साथ उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। सूक्ष्म वतन जहां चारों ओर चांदनी प्रकाश फैला हुआ है। सामने बाप दादा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। यहां मैं बाबा के साथ नयन मुलाकात कर रही हूं। बाबा के लिए जो बड़े प्यार से भोग बनाया है उसे स्वीकार कराती हूँ। बड़ी मीठी रूढ़िहान चल रही है हम दोनों के बीच। Thank you.
से आए आपकी किरणों के नीचे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे आ गए जैसे शीतल शीतल झरनों के नीचे।
प्यार से बाबा को भोग स्वीकार करा के बाबा से शक्ति भर के धीरे धीरे मैं स्थूल वतन की ओर अपने स्थूल शरीर में प्रकृति के मध्य अपनी जागृत अवस्था में आ रही हूं। ओम शांति, ओम शांति। कराया बाबा को भोग स्वीकार, बाबा ने खाया दूध पोहा। किसका किसका दूध पोहा खाया बाबा ने? ओके, अभी मेडिटेशन का समय, साइलेंस का समय हुआ, अभी है उत्साह मनाने का। वो महसूस था कि जैसे बाबा ने, मैंने जो बड़े प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने भी स्वीकार किया और बाबा ने मुझे भी स्वीकार कराया। भावना की बात होती है यहाँ। जितना प्यार से हम बाबा को स्वीकार कराते हैं तो मन खुश हो जाता है,